प्रेजेंट एरा के गोविंदा यानी वरुण धवन के साथ हुई एक ऐसी घटना जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनके कमरे में आ गया एक भूत। उस भूत ने गाया गाना और उस कमरे के दरवाजे खुलने और बंद होने लगे अपने आप। नहीं, हम कोई हॉरर फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहे हैं जिसमें वरुण धवन अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बल्कि ये एक असल जिंदगी में हुई घटना है। वरुण धवन जब अपनी अगली फिल्म एनीबडी कैन डांस 2 की शूटिंग के लिए लास वेगास में मौजूद थे, तो वहां पर वो जिस कमरे में रुके थे उस कमरे के लिए माना जाता है कि वहां पर लेजेंडरी अमेरिकन सिंगर और एक्टर फ्रैंक सिनात्रा का भूत रहता है। दैट रूम वॉज हॉन्टेड। ये बात वहां के ऑफिशियल्स और टीम मेंबर्स ने ऑलरेडी वरुण को और बाकी क्रू मेंबर्स को बता दी थी। उन्होंने कहा था कि फ्रैंक जब भी लास वेगास में परफॉर्म करने आते थे तो हमेशा इसी सुइट में रुका करते थे। यहां तक कि उनके मरने के बाद भी फ्रैंक ने ये कमरा नहीं छोड़ा है, वो अब भी यहां आते हैं और ये कमरा उनके कब्जे में ही है। और उसके बाद जब वरुण उस कमरे में रुके तब वहां पर हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यानी कि वरुण ने एक्सपीरियंस किया कि वहां पर कोई मौजूद था। उन्हें गाने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। ये बात वरुण ने एक पब्लिकेशन से शेयर की है और अपने डर को दुनिया तक पहुंचाया है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंक सिनात्रा के भूत ने सोचा होगा कि व्हेन एनीबडी कैन डांस तो द भूत एनीबडी कैन सिंग टू इवन द गोस्ट।